प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत, आप देख रहे प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश में उन्नाव के बबुराहा गांव में हुई घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने खुलासे को सही बताते हुए कहा कि या तो पकड़े गए लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए या फिर उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। आइए जानते हैं कि उन्नाव कांड में पीड़ित परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है और क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था उन लड़कियों के साथ और कैसे रची गई थी हत्या की साजिश। उन्नाव कांड का खुलासा करते हुए लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी विनय उर्फ लंबू शामिल है। आरोपी विनय एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उसने लड़की से मोबाइल नंबर भी मांगा था, लेकिन लड़की ने नंबर देने से मना कर दिया था। विनय इस बात से बेहद नाराज था। वहीं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर उसने खेत में किशोरी से मुलाकात की और उसे फूल देकर प्रपोज किया, लेकिन लड़की ने प्रपोजल को ठुकरा दिया, इसलिए उसने पानी में कीटनाशक मिलाकर लड़की को पिला दिया। पुलिस का कहना है कि हालांकि वो सिर्फ एक ही लड़की को मारना चाहता था, लेकिन तीनों लड़कियों ने कीटनाशक मिला हुआ पानी पी लिया, जिससे दो की मौत हो गई जबकि एक अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रही है। इसी लड़की से आरोपी विनय एक तरफा प्यार करता था। अब आपको बताते कि आरोपी विनय ने क्या कुछ कहा है। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह जिस लड़की से प्यार करता था वह अस्पताल में अभी एडमिट है। उसने कहा कि वारदात के दिन जब वह लड़की से बात कर रहा था तब उसने दूसरी दोनों लड़कियों से नमकीन भी मंगवाई थी। विनय ने कहा कि उसने एक ही लड़की को कीटनाशक मिला पानी पीने के लिए दिया था, लेकिन जब उसी बोतल से दूसरी लड़कियों ने भी पानी पी लिया और इसके बाद उन तीनों के मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गई। मृतक लड़की की मां ने क्या कुछ कहा, भाई ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। मृतक लड़की के मां ने कहा कि जैसे हमारी लड़की को तड़पा तड़पा कर मारा गया है, वैसे उन मुजलिमों को भी सजा दी जाए, फांसी दीजिए उनको, जैसे हमारी लड़की तड़प तड़प कर मरी है वैसे ही उसको मारा जाए। मृतिका के पिता ने कहा कि खुलासे से हम संतुष्ट हैं, पुलिस ने सबने हमारी बहुत मदद की, हमें संतुष्टि तब होगी जब एनकाउंटर होगा या इनको फांसी होगी। उन्नाव कांड में पीड़िता लड़की के भाई ने कहा कि जिस तरह मेरी बहन का चीरफाड़ हुआ है उसी बुरी हालत में उसका एनकाउंटर किया जाए, फांसी दी जाए, यही आरोपी है, यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।